हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वर्ल्ड ओजोन डे के बारे में। वर्ल्ड ओजोन डे हर साल 16 सितंबर को सेलिब्रेट होता है। बात करते हैं ओजोन होता क्या है और उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। मानसून सीजन में जब भी बादल गरजता है तो उससे निकलने वाली लाइट और स्पार्क से हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन एटम में स्प्लिट हो जाते हैं और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन एटम तुरंत ही कंबाइंड होके ओजोन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला O2 और ऑक्सीजन एटम का O है। O2 और O कंबाइंड होके O3 यानी कि ओजोन का फॉर्मेशन करते हैं। आगे बात करते हैं ओजोन लेयर, जो हमारे पर्यावरण में 10 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पे है और उसका थिकनेस हमारे एटमॉस्फेयर में 50 किलोमीटर तक है। उसको डिप्लेशन से कैसे बचा सकें? मेन पांच कारण हैं जिनकी वजह से हम ओजोन में होने वाले डिप्लेशन को कम कर सकते हैं। पहला कारण है, साफ सफाई करने वाली चीजों में हमें विनेगर और बाइकार्बोनेट का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, एसी और रेफ्रिजरेटर की सर्विसिंग रेगुलर बेसिस पे करानी चाहिए जिससे हम फूल गैसेस कम से कम निकले। तीसरा है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए और पैकेट फूड का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। चौथा कारण है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें जिससे ट्रैफिक कम हो और उस वजह से कार्बन का एमिशन कम हो। पांचवा, हार्मफुल चीजों का प्रयोग कम करना चाहिए। ऐसे ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना चाहिए जिसे बार बार प्रयोग में लाया जा सके और सारे वेस्ट चीजों को हम फिर से यूज में ले सकें। 16 सितंबर को सेलिब्रेट हुए वर्ल्ड ओजोन लेयर का थीम था ओजोन फॉर लाइफ, 35 इयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। इस इवेंट का ऑब्जेक्टिव था लोगों में ओजोन लेयर के डिप्लेशन की जागरूकता फैलाना और ओजोन लेयर के संरक्षण के उपायों के बारे में बताना। ओजोन लेयर को हम ओजोन शील्ड के नाम से भी जानते हैं। ओजोन लेयर पृथ्वी के पर्यावरण में 10 से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाने वाला गैस का लेयर है जो हमें सूर्य से निकलने वाले यूवी रेस से बचाता है। पर्यावरण में 10 से 50 किलोमीटर लेयर को हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। सन से निकलने वाले यूवी रेस से डिफरेंट टाइप के स्किन डिजीज होते हैं जिससे हमें ओजोन लेयर बचाता है। 1995 में पॉल क्रेटजियन, मारियो मोलिना और सियर बुट रोलैंड को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज ओजोन लेयर के डिप्लेशन के कारण को समझने के लिए मिला था। अभी रिसर्च में यह पाया गया कि पूरे इंडिया के शहरों की तुलना में गुवाहाटी पर ओजोन लेयर की थिकनेस कम पाई गई। ओजोन लेयर की थिकनेस की कमी का मुख्य कारण नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड की अधिकता से है जो कि हमारे फॉसिल फ्यूल्स के बर्न से निकलता है। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन नाइट्रोजन और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के ऑक्साइड के बीच केमिकल रिएक्शन द्वारा बनता है। यह आमतौर पर तब बढ़ता है जब कार, पावर प्लांट्स, औद्योगिक बॉयलर, रिफाइनरी, रासायनिक संयंत्र और स्रोतों से उत्सर्जित पॉल्यूटेंट रासायनिक रूप से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं जिससे लोगों के हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है। टीम के अन्य सदस्यों ने ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र में ओजोन और अन्य एयर पॉल्यूटेंट तत्वों की परिवर्तनशीलता का विश्लेषण किया। इस अध्ययन में नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन कंसंट्रेशन के परीक्षण ने यह सुझाव दिया कि ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी गुवाहाटी शहर के आसपास की हवा स्थानीय स्रोतों जैसे राष्ट्रीय मार्गों से अच्छी तरह प्रभावित हो रही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें।